और अब एक खबर यूपी के बिजनौर की, जहां घर घर तिरंगा बांटने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली और ये धमकी चिट्ठी के जरिए दी गई है जिसके घर के बाहर चिपका मिला। इस धमकी के बाद से परिवार दहशत में है, परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। परिवार के लोग दहशत में हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को चिट्ठी के जरिए धमकाया गया है जिसके बाद पुलिस के पास ये लोग पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई है। धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद पूरा परिवार खौफ में है। सतन से जुदा की धमकी उन्हें भी मिली है क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके का अभियान चल रहा था हर घर तिरंगा, उसमें ये महिला भी लोगों को जागरूक कर रही थी और उसके बाद बिजनौर में तिरंगा बांटने पर इन परिवार को धमकी मिली है। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। सर कल जब सुबह हम 6:30 के आसपास उठे तो बाहर देखा मेरे बच्चे ने कि भैया पापा बाहर एक पर्चा छपा है उस पर तुम्हारा नाम लिखा है, एक पर्चा ठेले पर लगा हुआ था फास्टफूड का था, एक पर्चा सड़क पर लगा हुआ था जो परचून की दुकान है रुपेश कुमार की, तीन पर्चे छपे हुए थे, तीनों पर लिखा हुआ था कि अन्नू तुझे घर घर तिरंगा बांटने का बहुत शौक हो रहा है, तेरा सर भी कलम कर दिया जाएगा और ISI के समर्थक नीचे लिखा हुआ। तो आप तिरंगा बांट रहे थे, क्या वजह थी तिरंगा बांटने? तिरंगा बांटने की ये वजह थी कि हमारी भाई आंगनबाड़ी में कार्य करती है, मैं तिरंगा जो कोई मुझसे बोला था कि बच्चा है बड़ा भी कि भैया झंडा दे दो, मैंने लो जी, और झंडे का होने के कारण मैं कैतपुर नगर अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत जी से 10 झंडे लाया था तो मैं वो बांटा। पुलिस में शिकायत की? मैं पुलिस में FIR दर्ज कराई है और जिसकी कॉपी मुझे मिली। पुलिस सुरक्षा मिली आपको? रात में 8:30 करीब 2 पुलिस वाले हैं और सुबह 4:30 हो गए। तो क्या आप लोग डर में हैं, कोई खौफ है? मैं खौफ में हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा बच्चा बिजनौर जाता है विवेक कॉलेज में काम करता है, वो कल भी मुझसे पूछा था कि पापा बिजनौर जाऊँ या ना जाऊँ, आज भी वो मालूम कर रहा। किसी पर शक वगैरह? सर मैं अभी इस बारे में नहीं कर सकता, ना ही मेरी किसी से लड़ाई चल रही है। थाना किरतपुर में एक व्यक्ति के घर पे पेन से लिखा हुआ एक कागज चिपका हुआ मिला जिसमें उसको घर घर तिरंगा बांटने के संबंध में धमकी दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके घर पर यह पत्र चिपका था उसको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई।